hey guys how are you so today's video is all about nature today's video is all about uh, some forest trees leaves and you can feel it this is an awesome place to visit it's uh, i will give the location so you can come you can have your cycling you can have your jogging you can uh, go for a walk on this location you can also do some exercises so let's go so today i'm going to show you the view a perfect view so that's it so some people are coming here for jog and that's it so this is a fucking banyan tree So guys this place is just for jogging, cycling, exercises and some good stuff. And this is dog is awesome, yeah. I don't know. His name is Sheru, I think so. People are calling him Sheru. And Sheru is alone. She's a female dog. Please don't bite me, man. We don't have contacts, but you're good. So I think so. This was a fucking view but because of some trees some bushes it just gone disappeared so this was a view from which we can see i'm going to step in there's a lots of grass over here i'll try my best to show the view if it is possible guys wait for some time so hey guys you can see the view uh, because of rainy season all the plants are just grown up leaves so the area is covered विथ ऑल दिस शिट सो बहुत मैंने मेहनत की है ये वीडियो को इधर लाने के लिए यू कैन सी दू यार यू कैन सी द परफेक्ट ब्यूटी सीट सीट मैन बहुत मेहनत की है मैंने क्या इस मैं नॉर्मली कभी कंग्लिश में भी बात करता हूँ क्योंकि मेरे कोई यूजर्स रहे जो मे बी शायद कोई लोग फॉरनर्स भी देते हैं कभी कह मे बी अमेरिकन रशियन इटालियन मैक्सिकन कोई भी सो so, हिंदी में बात करने में उनको समझ में नहीं आता है गाइस हैंस में कभी कबार अपने वीडियो इंग्लिश में भी गिराता हूँ आप व्यू देखिए भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ ये जगह ऑसम है मैं इसका लोकेशन डालने वाला हूँ uh, मैं भी शायद से गूगल uh, मैप का लिंक कोशिश करूँगा डालने के लिए ये लोकेशन को हम लोग बोलते हैं आर कॉलोनी का गार्डन आर ए कॉलोनी लोकेटेड है उधर एक गेस्ट हाउस है वो गेस्ट हाउस के आप ऊपर आओगे ना उधर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है तो उधर ये लोकेशन है मैं कोशिश करूँगा इसका लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन डालने के लिए क्योंकि गूगल मैप से भी ये मिल रहा नहीं क्योंकि एक हम ऐसे जोन पे पहुंच चुके हैं जहाँ आस ना कैंटीन है ना कोई टेम्पल है बस इतना मालूम है ऊपर एक गेस्ट हाउस है इधर से मैं आया नॉर्मली सो दैट्स इट गाइस होप यू लव द कंटेंट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स सो दैट सेट चलिए और नीचे जाते हैं नहीं और नीचे जाएंगे तो व्यू नहीं देख पाएंगे बाकी ये बेहतरीन लोकेशन है इसके लिए इसके लिए ये व्यू के लिए गाइस मैं इतना दूर तक आया हूँ इतना दूर तक में भी मेरी तो जॉगिंग ही चल रही थी और नीचे जाऊँगा तो और नीचे है ये नीचे पहुँच जाऊँगा किधर मुझे पता नहीं रास्ता किधर जाता है मतलब आप देखिए ना यार देखिए कितनी सारी बिल्डिंग्स दिख रही है आ, मैं कोशिश करूँगा इसका एक प्रॉपर वीडियो लाने के लिए क्योंकि रेनी सीजन था इसके लिए ऐसा हुआ है कोशिश यही रहेगी गाइस कि मैं इस पर पूरा एक ब्लॉग बनाऊँ एक प्रॉपर ब्लॉग जबकि आपको कैमरा में इतना नहीं दिख रहा नहीं। लेकिन ये जगह बहुत बेहतरीन है गाइस अब स्मोक की वजह से वो भी गायब हो गया है नॉर्मली ये जगह बहुत बेहतरीन है चलिए कोशिश करते हैं नीचे कुछ मिलता है क्या मैं नीचे जा रहा हूँ देखते क्या होता है सो so गाइज मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ मैं जा रहा हूँ नीचे देखते है क्या है नीचे क्योंकि लोकल्स बोलते थे स्नेक्स बहुत है क्या क्या सीन है पता नहीं सो so, वीडियो को एंड तक देखिए गाइज देखते क्या खोज कर पाते हम लोग फिलहाल तो मुंगिया बहुत चढ़ गई कहीं से शिट थोड़ी देर में मैं आपको मिलता हूँ गाइज सो गाइस आई थिंक सो कि मैं काफ़ी ऊपर से नीचे तक आया हुई है ऐसे रास्ते पे फॉलो करते करते और मेरे ख्याल से ये पानी का कोई रास्ता है जिधर से पानी जाता है अरे बाप रे मैं ये बापरे करूंगा जो मैं ये फालतू गिरी कर रहा हूं ना एक लॉक के लिए आप मत करना अरे बाप रे सो ये कोई पानी का पोर्शन या क्या है जैसे पानी जाता है और ये किसकी प्रॉपर्टी है कि इसको सराउंड गया है ये सब क्या देखते हैं पता नहीं एग्जैक्टली क्या है so that's it. मेरे पैजामे की और मेरे ट्रैक्स की लग चुकी है वाट क्योंकि पता नहीं मेरे ट्रैक्स को कुछ लगा है मेरे पैरों को लगाए ये कीड़े ना हो आई डोंट नो ये क्या है कमेंट करके बताओ गैस ये क्या है कीड़े है कि क्या है ये नहीं पता सो so, चलिए और नीचे चलते बस गैस इसके आगे मैं नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि ये कहीं मेरे को और लेके चले ना जाए इट लव यू गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग चलिए ऊपर चलते हैं वापस क्योंकि मैं काफी साल से इधर ट्रेवल कर रहा हूँ लेकिन मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है लोकेशन जाता किधर है आप देख रहे हैं आपके एक वीडियो के लिए मुझे कितनी सारी झाड़ घास घड़ियों में से जाना पड़ रहा है एक सी वीडियो के लिए आप समझ सकते हैं मैं किधर हूँ देखिए भी एक वीडियो के लिए मेरे को इतना ऊपर तक जाना पड़ रहा था चलो यार बहुत हो तो गया अब तो थक गया। देख रहे हैं आप ये बारिश की वजह से सारे झाड़ पेड़ पौधे उग गए इसकी वजह से हम लोगों को वीलॉग को शूट करना बहुत दिक्कत हुई और हाँ गाइस मैं अकेला जू इसको शूट करता हूँ, एडिट करता डालता हूँ मेरे वीडियो में आपको कोई तरह का साउंड नहीं मिलेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कंटेंट कॉपीराइट हो क्योंकि एक ब्लॉग शूट करने को बहुत कैपेसिटी टाइम जाता है सो दिस इज द फ़किंग व्यू गाइस ओह माय गॉड सीरियसली यार लॉड लग गए तो दाट इट शुक्रिया गाइज हम गिव ऑल शाउट आउट टू ऑल गाइज हुई जन लव माई रेसिपीज सम न्यू टेक्नोलॉजीज इन मुंबई एंड इट सेठ इट फॉर द डे ऐसे ही प्यार कीजिए ऐसे ही सपोर्ट कीजिए आपको बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले मेरे चैनल पे दात इट लव क्यू गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग सो मैं वो व्यू आपको नहीं बता पाया था बिकॉज ऑफ समिस्टर्बेंस और जो झाड़ पौधे सब बढ़ गए थे लेकिन हमारे पास एक और रास्ता हमने खोजे एक रास्ता और ये एक रास्ता ये रास्ते से हम आगे जाएंगे और शायद से मैं आपको थोड़ा बहुत तो दिखा पाऊंगा। आप समझ रहे थोड़ा बहुत तो दिखा पाऊंगा। पूरी कोशिश थी मेरी कि मैं उधर से व्यू दिखाऊँ क्योंकि उधर का व्यू बहुत बेहतरीन रहता है जैसा कि ये किसकी कार है और ये एक छोटा सा हाउस है जिधर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में भी कोई ट्रांसफॉर्मर्स या कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होंगे जैसा इधर लिखा है धोखा डैम खतरा डेंजर इलेक्ट्रिक प्रेशर 415 टू 460 वोट्स सो मे भी शायद से ये इतना बड़ा टावर आप देख सकते हो कि उसका ये कुछ आज तो मैं सोच रहा था ब्लॉग को एंड करने से पहले कि मैं कोशिश करता हूँ कि व्यू दिखाऊं और फाइनली मैं आपको व्यू दिखा पा रहा हूँ इसके नीचे नहीं जाऊंगा क्योंकि खाई टाइप है सीधा इधर से गिर के मर जाऊंगा सो ये देखिए कोशिश पूरी थी ये बड़े बड़े टावर्स देख पा रहे होंगे आप और ये वो व्यू था जो मेरे को दिखाना था आपको अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये नहीं देख पाए क्योंकि ये तो बरोबर जगह ये जो झाड़ नहीं होते ना तो थोड़ा और अच्छे से दिखा होता सो दैट्स इट मैं थोड़ी देर में आपको मिलता हुआ तो गाई so जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एक दूसरे रूट से आया हूँ क्योंकि मेरे को वो सीनरी कैप्चर करनी थी सो so ये लोकेशन में डालता हूँ ये बैठने के लिए कुछ चेयर्स दी गई है हम इसके ऊपर खड़े रह के रिकॉर्ड करेंगे कि आपको ज़्यादा अच्छे से दिखे ये सीनरी बहुत परफेक्ट है अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से और ज़्यादा पेड़ पौधे उग गए जिसकी वजह से हम लोग ये परफेक्ट कैप्चर नहीं कर पा रहे आपके लिए सिर्फ मैं रिक्स ले रहा हूँ चैनल को जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मुझे पता नहीं नेक्स्ट व्लॉक में मैं ज़िंदा बचूँगा क्या नहीं बस आप देखिए यार कितनी मस्त जगह ये ये कैमरा में इतना कैप्चर नहीं हो पा रही गाइस लेकिन जब आप पर्सनली आके लोकेशन को देखेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा मजाक नहीं कर रहा हूँ जूम कर चुका हूँ मैं पूरा ये देखो सीरियसली तो गाइस बस आज के लिए इतना ही सो so अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया होप यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड डेफिनेटली मो वीडियोस कमिंग्स सो बस ये शायद से नीचे का जा रास्ता जाने के लिए गाइस और मुझे नहीं लगता हम लोग इधर से व्यू देख पाएंगे हाँ ये नीचे जाने का जो जा रास्ता है मैं भी अब ये रास्ता किधर जाता है मुझे बिल्कुल आईडिया नहीं है फिर भी हम लोग जाते हैं देखते डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं जिस ने मुझे बताया ये रास्ते पे डडेरी के पास जाता है और मैं अभी बाहर ही रहा ट्राइड माई बेस्ट दूर मुझे खुद नहीं पता मैं किस वे यार सीरियसली यार मतलब मैं क्या छुती अब्पा कर रहा था मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है बट फाइनली आई एम यो इफ यू लव दिस कंटेंट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड दिस इज अ ड्रैगन बी समथिंग आई थिंक वो आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं मुझे उड़ रहा तो सामने से मेरे गायब हो गया हाँ ये रहा हाँ दिस इज ड्रैगन बी जो इधर आपको ऑरेंज कलर का कुछ दिख रहा है वाह wow, यार मजा आ गया सीरियसली यार मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये व्यू रहेगा सो दैट्स इट गाइस आज के लिए बस इतना ही हाँ कि ये व्यू बहुत बेहतर है सच में लव दिस सीन मैन थैंक्स वॉचिंग लव यू गाइस बाय टेक केयर मैं कुछ और दिखाना चाहता था आपको ऊपर से अनफॉर्चुनेटली ये व्यू मिल गया मुझे सो so, आज मेरे पे भगवान मेहरबान था लव यू बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो यार बहुत सारे फाड़ू कंटैक्ट आने वाले चैनल पे बाय गैस टेक केयर